काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में सदस्यता फॉर्म जमा को लेकर जांच टीम पहुंची। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें सदस्यता फॉर्म व शुल्क जमा न होने की शिकायत पर आज अपर जिला सहकारी अधिकारी टीम के साथ जाँच करने बाजपुर शाखा में पहुंचे। बता दें कि काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चुनाव प्रक्रिया के तहत 12 जुलाई को चुनाव होना है, जिसको लेकर सदस्यता फॉर्म व शुल्क जमा कराए जा रहे हैं। कुंडेश्वरी निवासी अंबिक चौधरी ने मई माह के प्रथम सप्ताह में 367 फॉर्म शुल्क सहित बैंक के कर्मचारियों के पास जमा करने को दिए थे, जिसकी रिसीविंग भी उनके पास है। जब अंबिक चौधरी 27 मई को जमा किए हुए फॉर्म की रसीद लेने बैंक पहुंची, तब बैंक मैनेजर द्वारा उन्हें यह कहकर कि फॉर्म व शुल्क जमा ना होने के कारण उन्हें 240 फॉर्म वापस कर दिए गए, जिसको लेकर अंबिक चौधरी व बैंक मैनेजर गुरदीप अरोरा में नोकझोंक हुई। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जाँच में ये BM साहब का कहना है कि फॉर्म हम तक नहीं पहुँचे, और चौधरी साहब कह रहे हैं हमने यहाँ 367 फॉर्म दिए थे। बैंक जो ये इनके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके पास 200 फॉर्म पाए गए बैंक में, और ये DM साहब इनका ब्रांच मैनेजर जो है इनका कहना यह है कि GM द्वारा हमें आदेश दिया गया था कि अब सदस्य न बनाए जाएँ, और जब आदेश दिया गया तो 1 तारीख को GM का आदेश किया गया है कि अंशधन किसी भी सदस्य न लिया जाए, और अभी इसकी फुटेज कल भी हमने मंगा रखी है, और जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई लाई जाएगी। माननीय ML हमारे टमटा जी जो ADCO हैं उप सहकारिता, वो जांच के लिए आए थे। AR साहब ने जांच की टीम गठित करी है, तो उन लोगों ने जांच की। जांच में उन्होंने पाया कि ब्रांच में हमारे 258 फॉर्म हमारे प्राप्त हुए हैं, बाकी 54 फॉर्म जो अलग ID बने हुए फॉर्म थे अन्य ग्राहकों के, वो भी ब्रांच में प्राप्त हुए हैं उनको। अब ये जांच का विषय था, अब वो लोग जांच कर रहे हैं, जो भी जांच में आएगा उसको मान्य होगा। संतुष्टि नहीं मिलेगी तो मैं इससे आगे भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। अब ये जाँच रिपोर्ट दें अपनी, फिर उसके आगे मैं अपनी कार्रवाई के लिए सोचूँ। पहले तो ये आरोप गलत लगाया जा रहा है, क्योंकि हम हैं कर्मचारी, ठीक है, और जैसे जैसे आदेश होते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। आदेश यही थे कि आप फार्म जैसे जैसे आते रहें और अपना जमा करते रहें, ID बना करके पैसे जमा करते रहें, और जैसे जैसे हमारे पास फार्म आते रहे और जमा करते रहे। 27 तारीख लास्ट डेट हमें बताई गई थी कि इन्हीं लोगों के द्वारा बताई गई थी कि 27 तारीख तक जमा होने हैं, तो 27 तारीख लास्ट डेट मानते हुए हमने उस हिसाब से पैसे जमा करे और ID बनाई। जितने जमा हुए थे 27 तारीख तक, वो हमने हेड ऑफिस लिस्ट बना के हेड ऑफिस भेज दिया करें, ऐसा है ना। देखो 27 तारीख तो इन्हीं लोगों के द्वारा बताई गई थी कि 27 तारीख तक ही जमा होने हैं, नहीं ये लिखित में कोई आदेश नहीं ना, पर उससे बताया चुनाव की डेट का था इन्हीं लोगों को, क्योंकि हमने नेतागिरी तो आती नहीं, हम तो काम यहाँ सर्विस में हैं, नेतागिरी करेंगे तो सर्विस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम तो इन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया कि 27 तारीख तक जमा होने हैं। अगर ये कहते कि हमारे बाद में करो तो हम बाद में हम कर देते, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता। ऊपर से जब आदेश आया तो उसके बाद तो फिर क्लियर था। आदेश तो यह आया ना कि सिर्फ ऋणी और जमानतियों के ही बनाए जाएं। 1 तारीख में जो आदेश आया, क्योंकि 2 दिन मैं छुट्टी पे रहा, इस बीच कोई आदेश नहीं था। अगर बनाने थे तो ये लोग यहाँ तो कह देते, जो फॉर्म लाए उन्होंने भी नहीं कहा कि आप आगे 28 तारीख में भी बना दो। अगर कहते ये लोग तो हो सकता है उस पर कुछ कार्रवाई होती। तो हमें तो यही इन लोगों के द्वारा ही बताया गया था कि 27 तारीख तक बनने हैं, 27 तारीख तक जितने बनने हैं बनाओ, तो वही करेगा द्वारा।